संभल में घटना पर सपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पुलिस ने पहले अपील की और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े। आपको बता दें कि एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साथ ही जानकारी दी, कहा कि पुलिस ने पहले अपील की और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट भी चलाई गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने किसी पर गोली नहीं चलाई है। मामले में अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें दो महिलाएं भी हैं और हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से कई हथियार बरामद हुए हैं। घटना में मारे गए तीनों लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है और 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है वो सब लोग आ जाते हैं तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज़ इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहाँ पर टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज़ मजमा है, मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीए स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा आए हो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया।